नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी शोभा रावत और आपका मेरे चैनल खुश मिजाज ज़िंदगी में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज लेके आ रही हूं मैं बेसन की बर्फ़ी। बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी बनती है बेसन की बर्फ़ी। जैसे आज का त्यौहारों का सीज़न है, रक्षाबंधन ही लगा लो, तो आप रक्षाबंधन में बेसन की बर्फ़ी बना सकते हैं। बहुत ही आसान है। चलो फिर बेसन की बर्फ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बेसन। तो आधा कटोरी मैंने यहाँ पे बेसन लिया है, आधा कटोरी ही चीनी ली है, थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं, भुनने के लिए घी और थोड़े से यहाँ पे हरी इलायची ली है। बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। आधी कटोरी जो चीनी ली थी उसे पैन में डाल लेती हूँ। अब जितनी हमने चीनी डाली है उसकी आधा, उसका आधा हमें यहाँ पर पानी डाला है ताकि हमारी जो चाशनी है हमें उसे ज़्यादा पकाना ना पड़े। तो इसमें क्या होगा, हमें चाहिए दो तार वाली या एक तार वाली चाशनी। तो उसके लिए हमारी जो, अगर हम पानी कम डालेंगे तो हमारी चाशनी जल्दी तैयार हो जाएगी। अब इसमें जो ग्रीन इलायची थी या हरी इलायची थी वो मैंने इसमें डाल लिया है। जब तक चाशनी हमारी तैयार होती है तब तक हम बेसन को भून लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो घी है ना उसकी थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा रखी है, जिससे जो हमारी बर्फ़ी है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी, अच्छी बनेगी। अब घी गरम हो गया है तो इसमें डाल लेते हैं बेसन। जब भी आप बेसन डालते हैं तो गैस को लो फ्लेम पे रखना है। हमें जो बेसन है वो लो फ्लेम पे ही भुनना है ताकि जो हमारी बर्फ़ी है वो काफ़ी अच्छी बने और हमारा बेसन अच्छे से भुन जाए। अब लगातार हमें इसे चलाते रहना है। लगातार चलाने से एक तो हमारा जो बेसन है वो जलेगा नहीं और दूसरे में जो हमारी बर्फ़ी है ना वो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो हमें तब तक इसे भूनना है जब तक कि हमारा जो बेसन है वो घी ना छोड़ने लग जाए। इसे लगातार भूनते रहना है। एक मिनट के लिए भी इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना है। अब जब लगातार इसे भूनते रहेंगे तो थोड़ा सा हाथ में दर्द तो हो गई, ऑब्वियसली अगर बर्फ़ी बनानी है तो हाथ में दर्द हो गई, तो इससे भूनने में कम से कम 5 से 7 मिनट तो लग ही जाएंगे। जब ये भून के तैयार हो जाए तो इसे नीचे निकाल के भी हमें कम से कम 1-2 मिनट तक इसे चलाते रहना है, क्योंकि हमारी जो कढ़ाई होती है वो बहुत गर्म रहती है, हमारा जो बेसन है उस जलने की चांसेस रहते हैं। अब इसे 5 मिनट के ठंडा होने देते हैं, तब तक हम चाशनी की तरफ चलते हैं। अब हमारी चाशनी भी काफ़ी अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब एक बार चेक कर लेती हूँ तो आप देख रहे होंगे इस पर डबल तार बन रहा है। सिंगल तार बने या डबल तार बने पर हमें तार बनाने तक ही चाशनी तैयार करनी है, पतली चाशनी तैयार नहीं करनी है। चलो फिर, हमारे जो बेसन है उसे भी 5 मिनट हो चुका है। अब इसमें मैं थोड़ा सा 1 पिंच हल्दी पाउडर डालूंगी। दोस्तों, अगर मार्केट वाले कलर से आपको बचना है तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये कड़वा हो, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा केमिकल वाले कलर आते हैं, तो उससे अगर बचना है तो हल्दी सबसे बेस्ट है। अब इसमें चाशनी डाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले आधी चाशनी डालूंगी और थोड़ा सा इसे बचा दूंगी। दोस्तों, यहाँ पे मेरी चाशनी थोड़ा सा ठंडी हो गई है तो आप गर्म चाशनी डालें। गर्म चाशनी से एक तो क्या होगा, जो हमारी चीनी ड्राई हो जाती है ना वो चीज़ नहीं होगी। अब यहाँ पर जो मैंने आधी चाशनी बचा रखी है उसे मैं गर्म कर लूँगी। आप चाशनी को एक बारी में डाल सकते हैं पर चाशनी गर्म होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने एक बारी में कम चाशनी डाली थी तो हमारा जो बेसन है वो ड्राई हो गया है। अब इसमें क्या करूँगी मैं, जो बची हुई चाशनी है उसे मैंने गर्म करके डाल लिया है। अब इसे बिल्कुल स्पीड में घुमाना है। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा गुठली बन सकती है तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम बहुत ही स्पीड से इसे घुमाकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से तैयार कर लेंगे। दोस्तों, बेसन की बर्फ़ी मैं काफ़ी बार बना चुकी हूँ तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अब थोड़ी सी बर्फ़ी मैंने हाथ में निकाल ली है। अगर ये हाथ पे चिपकता है तो हमारी जो बर्फ़ी है ना वो अभी रेडी नहीं है, और अगर हाथ पे नहीं चिपकता है तो हमारी जो बर्फ़ी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले लिया है, इस पर लगा लेती हूँ घी। आपके पास अगर रिफाइंड है, डालडा है, कुछ भी आप लगा सकते हैं, जिससे जो हमारी बर्फ़ी है वो नीचे चिपके ना। अब जो भी हमने बर्फ़ी का मटेरियल तैयार करा है वो सारे इसमें डाल देते हैं। मैं इसे चकोर शेप दे रही हूँ, आप चाहें तो आप इसे राउंड शेप भी दे सकते हैं, चकोर शेप भी दे सकते हैं, जैसे मैं आपको पसंद हो। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालूँगी। दोस्तों, आप पहले भी क्रश करके ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं जब आप चाशनी डालते ना उसके बाद,
तो मैंने उस टाइम पे नहीं डाला है, मैं अब लास्ट में डाली हूँ। आप चाहिए तो बाद में भी डाल सकते हैं। अब इसे 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। 2-3 घंटे बाद जब ये अच्छे से सेट हो जाए, अच्छे से ठंडा हो जाए, तब हम इसे कट कर लेते हैं। आपको जैसे भी शेप में पसंद हो, लंबे में हो, चौड़े में हो, गोल में हो, जैसे भी शेप आप देना चाहिए अपने बर्फ़ी को, वैसे शेप में कट कर सकते हैं। बर्फ़ी को मैं लंबे शेप में कट कर रही हूँ। सारी बर्फ़ी मैंने कट करके तैयार कर ली है। आपको मैं एक पीस निकाल के दिखाऊंगी। बहुत ही सॉफ्ट बनी है, बहुत ही टेस्टी होती दोस्तों ये। अब तो रक्षाबंधन आने वाला है, तो आप रक्षाबंधन पे बेसन की बर्फ़ी बना सकते हैं, सबको बहुत पसंद आएगी दोस्तों। बहुत ही कम टाइम में बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको बेसन की बर्फ़ी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और रक्षाबंधन पे बर्फ़ी इंजॉय करें।